आशीर्वाद ले लिया आपने? ले लिया आशीर्वाद? ले लिया। ओके, राम राम कर दो फिर इनको, इनको कर दो ना राम राम। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल में। और ये छतरी लेके जाओगे? ऐसे लेके छतरी जाओगे? क्यों ले रहे हो छतरी, ये तो बता दो। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय, रोना नहीं। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी चलो एक और नई वीडियो शुरू कर लेते हैं। सिनोय स्कूल चला गया है और आज है गुरुवार, तो मेरा फास्ट है, मेरी पूजा वूजा भी हो गई है और काम जो है वही डेली वाला पूजा करके गई है, बर्तन करके गई थी वो मैंने रख दिए हैं और ये वाले बर्तन अभी मैं करूँगी। ये देखो किए नहीं है अभी तक, और ये देखो क्या नुकसान हो गया। मैं सिनोए को लगी रेडी करके वो सेक पिलाने और दूध गैस, ये घी गैस पे रखा हुआ था और ये घी निकल गया, देखो बिल्कुल सिंपल था फिर भी थोड़ा सा निकल गया, ज्यादा तो नहीं। तो दिखाऊं कैसे निकला, यहाँ पे निकला है देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये निकल गया इतना सा। तो चाहे इतना भी निकल जाए घी या दूध, दुख होता है बहुत ज्यादा, है ना? किस किस को होता है कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर देखो वीडियो आज की, एंजॉय करो और जैसी भी लगे बता दिया करो कमेंट करके, अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने जानने वालों के पास, ठीक है? चलो जी अब अपने कपड़े लगा लेती हूँ, प्रेस वाले हैंगर में लगा के टांगने हैं, दो तीन सूट हैं मेरे, तो किस तरह से मैं टांगती हूँ देख लीजिए। इसे मैंने पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है, लेकिन जो कोई अगर नए जुड़े हों या पुराने भी भूल गए हों कि मैं कैसे कपड़े रखती हूँ तो देख लीजिए। हैंगर में ये रखती हूँ टेलर वाले, लकड़ी वाले, इनसे क्या होता है सूटों के कंधे गिरते नहीं हैं, एकदम सीधे रहते हैं और प्रेस व्रेस कुछ ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से पहले टांग लिए प्लाजो, टांग दूँगी ऊपर से कमीज, इसको पहना दूँगी हैंगर को, ये देखिए, और भी अलमारी में टंग जाएंगे। और ये तो है मेरा पुराना, 2 साल या 3 साल हो गए रक्षाबंधन पर, छोटे वाले भाभी ने दिया था सील के। और ये जो मैं मेरी पुरानी सलवार पे कुर्ती मिला के लाई थी, शेयर किया था मैंने कपड़ा आप लोगों के साथ, और ये कुर्ती की भी वीडियो ज़रूर शेयर की होगी, बनाई थी मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट करके बताना इसका डिज़ाइन मैंने शेयर किया है कि नहीं आप लोगों के साथ। तो ये इसके ऊपर ये भी टांग दी है, और उसके बाद ये आता है नंबर इस दूसरे सूट का, कॉटन वाला, जो कि पूजा लेके आई थी मेरे लिए एक बार अपने घर से, कब लाई थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी दिन से रखा था ये। तो इसके सलवार के जो पोंचे हैं वो मैंने कट वर्क वाले बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड कट वाले, और ये भी इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, बस पाइपिंग बाजू पे लगी हुई है, जो कि लगी हुई थी वो पट्टी बनी बनाई घेरे की थी मैंने, घेरे पर से उतार के और बाजू पे लगा दी। तो पहने हुए सूट की पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं की वीडियो, दिखाऊंगी कभी, एक बार सिल जाए मेरे सारे सारे सूट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये है पुराने सूट की सलवार, जो कि मैं सुबह जब उठते के साथ नहा के पूजा पाठ करती हूँ तब पहन लेती हूँ, जब सारा काम हो जाए नहा धो लूँ उसके बाद अपना दूसरा पहन लेती हूँ। तो चलिए अलमारी का काम हो गया है, चेक कर रहे पहले बजा के क्या लेके आए सुनवाई के पापा, सुनवाई के लिए चलो खोलो, दादू के पास चलो, यहीं क्या लोगे, चलो खोलो। ये सिनोय के लिए गिफ्ट आ गया, सिनोय के लिए तो रोज़ ही गिफ्ट आते हैं, कितने टॉय हैं इसके पास, मन नहीं भरता इसका, जितने मर्जी ले आओ उतने ही कम है। बोलो भाई ये तो बड़ी फैंसी कार है, उधर दादू करूँ मैं लेके चलो, उधर मुँह करो इससे आगे चलेगी, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो इससे इससे इस वाले, ओए
ओ गई। वो खुल गए। ओ भाई। ओए आगे पीछे चलती है ये तो। ये इसका फोटो। इसको इसको जानू इसको ना ऐसे पकड़ लेते हैं। ये क्या है? ये तो इसका फोटो है बेटा इसका। ले भाई। ऐसे नहीं ऐसे इसको इसको ऊपर की तरफ करती है। और ये इतना अच्छा हाउस किसने बना दिया इसको? ये देखो ये है ना जो इससे ये घूमेगी और इससे इससे आगे पीछे इससे दरवाजे इससे लेफ्ट राइट। चलो दादू को चला के दिखाओगे। ओए दरवाजे खोल दिए इतने ऊपर। हाथ मत छेड़ो मत इसको। इससे राइट को मोड़ो इससे तो दरवाजे खुलेंगे। चलाओ चला के दिखाओ दादी को। ओए इतना खुश हो गया। मम्मा को बबल गम के दे। थैंक यू बबल गम के लिए। ओहो इस कार की ये अच्छी बात है कि ये चार्जिंग वाली है, सेल वाली नहीं है। सेल तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसको लगाएंगे और चार्ज कर लेंगे। बैटरी होती है। हाँ बैटरी होती है। थोड़ा क्या चलाओ ना दूर से चलाओ तभी नहीं। इतनी देर में चलाते हो तो वो जब तक अंदर चले जाते हैं। ओ भाई इतने सारे बबल्स। ये देखो ये तो इतनी बड़ी गन आ गई सिनोए की। ऊपर करके चलाओ बेटा नीचे करके चलाओगे ना तो अच्छे से नहीं निकलेगा। नीचे लटका के नहीं। ए यहाँ से उठाओ यहाँ से पकड़ के उठाओ और फिर एकदम से चला दो जैसे पहले चला रहे थे। चलाओ अभी। आज मैं सिलूंगी ये वाला सूट और इसकी भी लेंथ कम बन रही है। अभी तक जितने भी सूट सिले हैं ना दो तीन सब की लेंथ कम क्योंकि मेरे को लेंथ चाहिए ज़्यादा और इनमें कपड़ा है कम। तो नीचे बॉर्डर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए और काम मेहनत भी। इसलिए अब की बार मैंने एक नया जुगाड़ किया है। ये जो आर्म होल होते हैं ना ये छोटे काट लिए और अभी मैं जोड़ लगाऊंगी ऊपर। तो कैसे कैसे जोड़ लगाऊंगी ये दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे को लगा ये ज़रूरी कि ये शेयर करना चाहिए ज़रूरी। तो चलो देखते हैं अभी। ये देखो इसमें ना ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है सेम कलर के धागे की। तो जो आर्म होल की कटिंग की थी उसमें से गोलाई में जो कपड़ा बचा ना उसमें से मैंने ये पट्टी काट ली इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली। और ये बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के और ये मैंने 3 इंच की पट्टी काटी है क्योंकि मुझे लगाना 2.5 इंच का जोड़ इसमें। तो 1/2 इंच ये चला जाएगा सिलाई में और जोड़ से जोड़ ये लाइन से लाइन मिला के दोनों तरफ ये लगा दूंगी इसके ऊपर मैं जोड़ लगा रहती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये दोनों मैंने इस तरह से लगा दी है। और अभी क्या करना है देखो ये जो जॉइंट है ना मार्जिन है दोनों तरफ के मार्जिन को इस तरह से करके प्रेस कर लेना। या तो आप ऐसे नाखून से प्रेस कर लो या फिर आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से। ये जॉइंट फिर नज़र नहीं आएगा। ये देखो लाइन से लाइन ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली है ना सेम इस तरह से मिला दिया मैंने। ये दोनों कर लिए हैं। अभी यहाँ पे बन जाएगा गला इस तरह से। इसी तरह पीछे वाले पे भी लगा लेंगे। ये देखो ये भी आर्म होल की ही कटिंग है पीछे वाले पल्ले की है ये प्लेन। तो इसको तो मैं पूरा ही लगा लूँगी इस तरह से रख के और पूरा जॉइंट लगा लूँगी जितना चाहिएगा उतना काट लूँगी बाद में। इसकी लेंथ लंबी है ना अभी दोनों के एक साथ तो इसको भी मैं जोड़ लेती हूँ अभी। ये जोड़ के और इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है नाखून से इस तरह से। जब भी जॉइंट लगाए एक चीज़ का ध्यान रखें कि सिलाई डबल लगा लें और जब डबल सिलाई लगाएं तो पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर से ही लगाएं दूसरे वाला टाका भी ताकि ये मजबूत हो जाए क्योंकि गले के पास रहेगा। अगर बीच में कभी खुल गया तो सिलाई लगाने में फिर दिक्कत होगी मतलब रिपेयर करने में। तो ये अभी मैं इनमें दोनों में गला बना लूँगी और ये कटिंग कर लूँगी सही से
तो ये देखो ये बन गया है गला, और ये मैंने पाइपिंग निकाल दी है सलवार के कपड़े की। ये देखो इस तरह से इधर से पट्टी लगा कर और इधर पलट दी है, और ये लग गया है जॉइंट, ये कटिंग होगी तो ये जॉइंट ऊपर रह जाएगा चुन्नी के नीचे, कोई नज़र नहीं आएगा इतना। और ये इतनी लेंथ मेरी बढ़ गई है तकरीबन 2.5 इंच। पीछे नीचे अगर करती तो मेहनत ज़्यादा होती, बॉर्डर वॉर्डर कुछ बनाना पड़ता, और इतना कपड़ा कपड़ा तो था इसमें खैर, लेकिन मैंने मेहनत कम हो इसलिए ये कर दिया। ये पीछे वाला जॉइंट है देखो, तो इस तरह से भी हम लेंथ बढ़ा सकते हैं कुर्ती की। अभी मैं इसको सिल के कर लेती हूँ रेडी।